हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अभी गेट पे कौन आ गया यार? मुझे नहीं पता गेट पे कौन आया है। अभी ये कौन है गेट पे यार? मैंने लगता है ये कोई खतरनाक कोई है यहाँ पे यार। रुक मुझे देखने दे, एक सेकंड रुक जा, मैं देखता हूँ कौन है गेट पे। अबे भाई, ये तो एक खतरनाक सी। ओ माय गॉड, नो। ओ भाई, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई? ये भूतनी मुझे कहाँ पे लेके जा रही है? शिट। अबे रिच माइनर, उठ यार, देख हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, उठ जल्दी से उठ। अबे क्या बोल रही है तू, क्या बोल रहा है भाई तू? ओ भाई, सामने ये कौन है भूतनी सी? अबे हाँ यार, हमको तो ये भूतनी यहाँ पे लेके आई थी और इसने हमें बंद कर दिया है। अपने बराबर में तो देख, तेरे पीछे कंकाल है। हाँ वो तो मुझे पता है यार, लेकिन हम लोग ये बंद कहाँ पे हो गए हैं? कितनी ज्यादा स्कैरी हॉरर, ये भूतनी पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर के अंदर, हमें कहाँ पर ले आई। हाँ ये बहुत ही स्कैरी भूतनी थी और मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मुझे भी हो रही है, जल्दी से मुझे रिच माइनर यहाँ से बाहर निकाल ले। हाँ भाई, मैं तेरे को बाहर निकाल लूंगा, बट पहले मैं खुद तो यहाँ से बाहर निकलूं। और वैसे वो शायद चली गई। ओके, वो शायद थोड़ी देर के लिए कहीं गई हुई है और ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। बट वेट, अरे यहाँ पर देख, तेरी तरफ एक होल है, उससे अंदर जाके देख जरा। हाँ भाई, लेकिन मेरे को दिख रहा है भाई, मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है वेट कर, लेकिन मैं पे आऊँ। ओ आइडिया, मैं लेट के आ सकता हूँ बहुत ही आराम से। आराम से निकलना, देखते हैं तू निकल पाता है कि नहीं। भाई मैं तो निकल जाऊंगा और मैं तेरे को भी यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तू सचमुच निकल गया क्या? हाँ मैं निकल गया, ये गाइस मैं निकल गया। अब मुझे भी जल्दी से निकाल, जल्दी से, बहुत पीछे की होगी, जल्दी से निकाल मुझे भी। हाँ लेकिन की कहाँ पे है? ये रही की, रुक मैं तेरे को बहुत ही आराम से निकालता हूँ इससे पहले कि भूतनी हमारे पास में आ जाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बाहर निकलने वाला हूँ। हाँ भाई, तू बाहर निकल चुका है, तू आराम से खुश हो जाए बहुत ज्यादा, और हमको यहाँ से भागना भी है कि इससे पहले कि भूतनी हमको दोबारा से बंद कर दे। मैं फाइनली बाहर निकल आया हूँ, अब यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते जल्दी से। ओ भाई वो आ चुकी है। ओ नो यार, ये कहाँ से आ गई, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे भागो भाई। ओके बंद कर दिया मैंने इसको। बच चुके हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन हम लोग आ कहाँ पर गए हैं भाई? मुझे नहीं पता, हम लोग एकदम से बंद हो गए यहाँ पे, मैंने बंद कर दिया। मुझे याद आया, हमें ये भूतनी यहीं से लेकर आई थी। हाँ यार, ये भूतनी हमें यहीं से लेके आई थी और आई थिंक भागने का रास्ता भी यहीं से होगा। अरे उसने ही सब कुछ तोड़ दिया। नो, भागो यहाँ से, भागो भाई। ओ भाई ओ भाई, ओ निकलो, यहाँ पे कब्रिस्तान है सामने, लावा, जल्दी से पौर कर करते हुए निकलते हैं हम लोग। जल्दी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से भाई। ये रही भूतनी, हमको यहीं से लेके आई थी और शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी हमको यहीं से मिलने वाला है। भूतनी आ रही है, भाग जल्दी से मेरे पीछे आ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, तू मेरे पीछे आ। ओके मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे भाई। भूतनी भी आ रही है और वो रुक गई शायद। नहीं, वो आ रही है, आ रही है। हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं, बस अभी हमें घर में जाने की देरी है। हाँ भाई, हम लोग यहाँ से बाहर तो निकल आए, थैंक गॉड, और अब हमको इस भूतनी से बचना है और रात भी होने वाली है यार। लेकिन यार इसको तो हमारे घर के बारे में पता, जल्दी से आ जा अंदर। ओ भाई हम लोग घर में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई। वो रही देखो, मैं घर के बाहर। गाइस अब हमें किसी भी चक्कर में गेट नहीं खोलना है ब्रो। मैं तो बिल्कुल नहीं खोलने वाला, मैं जा रहा हूँ ऊपर जल्दी से। ओके, हमको गेट नहीं खोलना है बिल्कुल भी। अगर हमने गेट खोला, ओ भाई वो देखो खड़ी हुई है नीचे भाई भूतनी, इसके बाल कितने लंबे लंबे हैं। मुझे तो लग रहा है आज ये हमें खाकर ही मानेगी। हाँ मुझे भी लग रहा है भाई, लेकिन ये घर में घुस नहीं पाएगी जब तक हम लोग गेट नहीं खोलेंगे। ये तोड़ भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, एक घोस्ट है खतरनाक वाली वो भी। नहीं यार, ये तोड़ेगी तो नहीं खैर, क्योंकि तोड़ने, अगर ये तोड़ती तो ये अब तक तोड़ देती, बट ये तोड़ नहीं रही है, तो शायद ये तोड़ने वाली भूतनी नहीं है, ये सिर्फ अंदर घुसने वाली भूतनी है घर के अंदर। और वैसे रात होने वाली है गाइस, और यहाँ पर फाइनली डे हो चुका है और ये भूतनी अभी तक नहीं गई है यार। क्या करके आ रही है ये आधे घंटे से? भाई मैंने सुना है कि भूतनी सिर्फ रात में आती है और दिन में भी खड़ी पड़ी है, यहाँ भागना यहाँ से। भाई सूरज भी निकल आया, अब तो लगता है ये भूतनी अब भागी। यस फाइनली ये जा रही है यहाँ से, लेकिन ये जा कहाँ रही है यार? आई थिंक ये किसी वो केव है क्या? हाँ वो केव है, वो केव के अंदर गई, अपने घर के अंदर जा रही है। जाना भूतनी। ओके भाई, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी ब्रो। अब फाइनली चली गई, अब आराम से हम लोग नीचे जा सकते हैं यार। हाँ यार, बहुत देर के बाद हम लोग खुश हैं और एकदम फ्री हैं,
ओके भाई, मतलब मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो मेरे को कहाँ पे ले गई। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, हम लोग हमेशा उस केव में माइन करने जाते हैं लेकिन आज तक वो मिली क्यों नहीं। सो गाइस, अब हमको पता क्या करना है, और हमको अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारी बहुत दिनों तक रक्षा कर पाएगी, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लेज़र लाइट, और क्योंकि जो भूतनी है वो इसके अंदर गई है, इस केव के अंदर, और वो जैसी बाहर आएगी तो इस लेज़र लाइट से मर जाएगी, जल जाएगी और कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। यार मज़ा आ जाएगा एक बार जल जाए तो वो। हाँ यार, वैसे वो जलेगी या फिर नहीं, वो भूतनी है तो क्या वो जल जाएगी? नहीं जलेगी, पता कह नहीं सकते कुछ पक्का, लेकिन देखते हैं बाद में, देखा जाएगा सारा कुछ। हाँ देखते हैं, वो भूतनी है वैसे जल तो जाएगी। आई थिंक भूतनी जलती है किसी चीज़ से या मरती है, मुझे नहीं पता। भूतनी तो भूतनी ऑलरेडी मरी हुई है ना, तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जल्दी से ट्रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग सारा काम शुरू करते हैं बनाने का अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमको पता है भूत से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार होती है। हाँ यार, वो बहुत ही होशियार भूतनी है, मतलब वो कहीं से भी चली आती है हमको मारने के लिए, और वो कहीं से भी निकल सकती है। और जैसे ही इस पे वो पैर रखेगी, इसके अंदर से खतरनाक वाली मिसाइल निकलने वाली है। हाँ वो तो अभी ट्रैप बना रहे हैं ना हम लोग गाइस, वो जैसे ही पैर रखेगी ना, उसको पड़ने वाले हैं एरो ही एरो और खतरनाक से बम वगैरह, जिससे कि वो मर जाएगी। हाँ बिल्कुल ही ठीक ट्रैप बनना है, अब तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और हमें रात होने से पहले ये ट्रैप कम्प्लीट करना है, वरना भूतनी यहाँ पे आ जाएगी। आ कैसे पाएगी वो, यहाँ पर लेजर लाइट जो लगी है। हाँ अबे अबे सही कह रहा है भाई, मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पे लेजर लाइट तो लग गई है, लेकिन हमारा काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। अब निकलते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ से। लेकिन भाई रुक जा, थोड़ा बहुत तो बचा है। अबे 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 क्या, अबे शिट शिट शिट, अबे 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 ये क्या भाई, भाई मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे वर्क करने वाला है भाई साहब, क्या ट्रैप बनाया है। अब असली मजा आने वाला है, बस उस भूतनी का वेट करना है हम लोगों को। अबे वो तो रात में आएगी भाई, वेट क्या करना है उसका। हाँ ये बात भी ठीक है, चलो अभी हम लोग घर में चलते हैं यहाँ पे। हाँ भाई काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्रो, मजा आ गया, और अब भूतनी हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। गाइस हमारा काम खत्म हो चुका है सारा का सारा, और अभी हम थोड़ा स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल बना के रखा है हम लोगों ने। बहुत ज्यादा मजा आने वाला, रात का वेट करना है बस हम लोगों को। हाँ भाई रात कुछ ही देर के अंदर होने वाली है, और फिर भूतनी का साया हमारे ऊपर मंडराने वाला है। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि भूतनी ने सब कुछ पार कर लिया, फिर हमारा क्या होगा। भाई वो तो भगवान ही जाने उसके बाद हमारा क्या होगा, बट भूतनी इसको पार कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बना दिया है स्विमिंग पूल, और अगर बाई चांस भूतनी इसके अंदर गिर गई तो भाई वैसे ये पिराना फिश खा जाएंगी। वैसे पिराना फिश करती क्या है ये पिराना फिश जो है, वो अपने नुकीले दांतों से हर इंसान को चबा जाती है। ओ अच्छा मैं समझा, लेकिन वो तो इंसान ही नहीं है, तो इन मछलियों का काम क्या है, वो तो एक भूतनी है चुड़ैल। लेकिन वो तो उड़ भी सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन वो जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, फिलहाल हमने पूरी अपनी, मैंने मतलब कोई भी गिव अप नहीं करा है, सारा काम अपना कर दिया है, और अब जो होगा वो भगवान देख लेंगे। चलो अब घर पे भी थोड़ी सिक्योरिटी कर देते हैं, और जल्दी से ट्रैप बना देता तू। हाँ भाई मैंने अपने घर के बाहर भी दो ट्रैप बना दिए, जिससे कुछ निकलने वाला है, जिससे बम निकलेंगे और भूतनी के ऊपर थोड़ा बहुत तो अटैक होगा ही। बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा बस एक बार आ जाए भूतनी। हाँ भाई भूतनी का वेट तो मेरे को भी बहुत हो रहा है भाई, बट वो आएगी कब ये मुझे नहीं पता है, शायद वो रात के 12 बजे आती है ना। हाँ हाँ रात के 12 एक बजे तो आने वाली है वो। हाँ रात के 12 या फिर एक से, नहीं नहीं 12 बजे से वो 3 बजे तक बीच में आती है, और फिर वो अपना पूरा साया दिखाती है हमको भाई, जैसे पिछली शाम को आई थी। लेकिन भाई पिछली बार तो वो शाम को आई थी कुछ 5 बजे करीब, वो पता नहीं वो क्या था उस टाइम, कैसे आ गई वो, लेकिन हम लोग उस टाइम अकेले थे ना इसलिए वो आ गई। हाँ शायद हम लोग अकेले थे, लेकिन अभी भी हम लोग अकेले तो हैं भाई, तो उस टाइम भी अकेले थे। चलो गाइस छोड़ो, अभी हम लोग सारा काम कंप्लीट हो चुका है हमारा, एंड गाइस और अभी वेट करना है उसका ही जो भूतनी है ना। चलो भाई वो किसी भी टाइम आ सकती है, वैसे देखते हैं, मेरे को उसका वेट करना है। ओके मैं लगाता हूँ यहाँ पे सेट, ओके मैंने यहाँ पे कुछ की लगा दिया, एंड यहाँ पे मैंने TNT का एक बेसमेंट बना रहा हूँ, जिससे कि इसमें अगर वो यहाँ पे गिरती है ना तो यहाँ पे TNT फट जाएंगे और फिर वो यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। यस यस जगह जगह पर ट्रैप होने वाले हैं, मतलब हम लोग हमेशा के लिए बची जाए। चलो यहाँ पे ट्रैप भी कंप्लीट हो चुका है ये वाला, ये ट्रैप बहुत ही डेंजरस है, इसमें अगर भूतनी आती तो बचेगी बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे ट्रैप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मजा आने वाला है थोड़े देर के बाद। लेकिन रुको मेरे को इसको पूरा डेकोरेट करना तो भाई, थोड़ा बचा है, थोड़ा बाकी है भाई अभी। हाँ कर ले आराम से कर ले।
भाई मैं पूरे पूरे घर में बिछाने वाला हूँ TNT ही TNT यार। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब पर फटाफट कर दो गाइस। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो फटाफट से। अच्छा भूतनी के लिए लाइक कर दो ठीक है। वैसे मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि हमारा घर डिस्ट्रॉय कैसे होगा, इतना ज़्यादा खतरनाक वाले TNTs तो लगा दिए। हाँ भाई मुझे भी नहीं पता, बट गाइस अभी पता है क्या करना है हमें, हमने नाइट विजन लगा के रखा हुआ है। ओके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं TNT को, मतलब TNT हम फाड़ेंगे कैसे यार, TNT फाड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। ओके TNT को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे लेवर से, एंड अब जैसे ही मैं इस लेवर को दबा दूंगा यहाँ पे मैं खुद रहने वाला हूँ, और जैसे ही भूतनी यहाँ पे आएगी ये लेवर को पूरा कनेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको लेके जाने वाले हम लोग काफ़ी दूर तक। एंड एक ये लगा दिया रेड स्टोन यहाँ पे लगाते हैं, देन इसको लेके जाने वाले हम लोग दूसरे वाले एक सिक्योरिटी टनल के अंदर जहाँ पे मतलब भूतनी गई थी ना वहीं पे लेके जाने वाले हैं। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग घर के बाहर रहने वाले हैं क्या? नहीं यार घर के बाहर नहीं, हम लोग घर के अंदर ही रहेंगे क्योंकि भूतनी, वैसे हम लोग जो भी होगा देख लेंगे बट पहले भूतनी को आने दो। वैसे हम लोग पहले पूरा डेकोरेट कर रहे हैं भाई, जैसे ही भूतनी जब आएगी ना यहाँ पे शमशान घाट बन जाएगी, मतलब एकदम ग्रेवयार्ड की तरह, मतलब पूरी आवाज़ें एकदम खतरनाक होने वाली हैं सिस्टम। भाई भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को अभी बहुत एकदम गूस बम्स आ रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा खतरनाक हॉरर सीन होने वाला है। बस यहाँ पे अपने भागने की तैयारी भी हो चुकी है। और ये देखो कितना बढ़िया मैंने ये बना दिया है विंडो जैसा, जैसे ऑटोमेटिक खोल रहा है ना, ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। हाँ ये भी ठीक है, चलो यहाँ पर एक बटन के सहारे ये बहुत आराम से खुल भी जाएगा। हाँ यार ये बहुत ही ऑसम लग रहा है, मेरे को एकदम बढ़िया लग रहा है। वैसे हमारा घर पूरा एकदम रेडी हो चुका है और सारी सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सिस्टम सब कुछ लग चुका है, और आई थिंक मुझे लगता है हमारा सारा काम कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमको वेट करना है सिर्फ और सिर्फ भूतनी का। क्यों भाई? हाँ यार लेकिन यार मैं इस घर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, क्योंकि यार इतने मुश्किल से ये घर बनाया था सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। हाँ भाई ये बात तो है, हमारा घर डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा और अगर वो भूतनी आएगी तो। सो रात होने वाली है दोस्तों, क्या आप लोग रेडी हो? एकदम रेडी हो आप लोग भी और हम लोग भी, बस भूतनी का इंतजार। और वो देखो वो आ चुकी लेजर राइट के पास, वो देख अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बस देखती रहो आराम से। भाई वो कुछ देख रही है मुझे नहीं पता, उसको ये पहली बार दिख रहा होगा नहीं सारा कुछ। हाँ भाई, ओ भाई बाहर निकल आई, बहुत चालाक है ये तो भाई, उसने उस पे TNT पे पैर ही नहीं रखा। ये बाहर कैसे निकली बे, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है यार। भाई ये तो बहुत चालाक निकली भाई, मेरे को तो डर लग। ओ भाई ये क्या हो रहा है, अबे भाई उससे कुछ हो ही नहीं रहा भाई। ओ भाई उसने पैर रख दिया उसके ऊपर, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या होगा हमारा, अब देखते हैं। ओ वाटर में गई, ओ भाई वाटर में गई, वाटर में। ओए मछली मार देंगी उसे। अबे कुछ नहीं हो रहा उसके, देख तो तू। अबे भाई ओ भाई भाई कुछ भी नहीं हुआ उसे, जो जो हमने सोच के रखा था सारा कुछ फेल हो गया। अब वो हमारे घर के अंदर आने वाली है, लेकिन अभी नहीं, अभी वो उसी पानी के अंदर है, वो कुछ ही देर में हमारे घर के अंदर आने वाली है। भाई लगता है ये बहुत ही खतरनाक प्लान, लेकिन रुको अभी हमारे पास बहुत सारे प्लान है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। ओ भाई मेरे सामने खड़ी है, ओ भाई अबे सामने आ गई, अब क्या करें यार, इस सामने देखो हमारे सामने खड़ी है। चलो यहाँ से मार के देख तू जल्दी से। मार दे मारता हूँ, रुको मेरे सामने आती रहो, सामने आ। ओके मैंने इसको मार दिया एरो एक, एंड गाइस चलो चलते हैं ऊपर। अब वो शायद से इस एरो से धीरे धीरे चलने वाली है। ओ भाई देखो ये यहाँ पे आ चुकी है। ओ भाई मैं नीचे गिर गया, अबे शिट। जल्दी से अंदर आ, जल्दी से ऊपर आ, जल्दी से, मेरा क्या होगा यार। आ रहा हूँ, तू सेफ है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक जगह पे खड़ा हूँ। वो देख इसको ऊपर से मारना पड़ेगा भाई। ओके उसको मारता हूँ मैं। अरे भाई सामने आया भूतनी, अबे एक बार ट्रैप एक्टिवेट हो जाए। अबे भाई ट्रैप एक्टिवेट नहीं हो रहा यार, रुको मेरे को TNT को भी ऑन करना है, लेकिन वो उसके ऊपर पैर रखेगी तब ना। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन यार जल्दी से मार इसको। बे मार तो रहा हूँ बट ये वो शांति से खड़ी है, आखिर होने क्या वाला है गाइस। ओ भाई वो TNT लगा रही है हमारे घर में। ओ माय गॉड ये हम पे अपना ट्रैप चालू कर रही है क्या? भाई सारे पैतरे उल्टे पड़ चुके हैं गाइस, सब कुछ गेम ओवर होने वाला है हमारा। भाई ये TNT फोड़ के हमारा घर तोड़ दिया उसने, घर हमारा। अब क्या होगा, क्या होने वाला है? अब ये हमारे घर में एंटर करने वाली है, और क्या होने वाला है यार। अब हमारे ट्रैप्स का क्या होगा? हमारे सारे ट्रैप्स फेल हो चुके हैं, भागो यहाँ से। लेकिन ये भूतनी कहाँ गई? भाई ये इधर ही कहीं होगी मुझे नहीं पता, अब हमको भागना पड़ेगा फटाफट। ओके हमको इसको ऑन करना पड़ेगा लीवर को, और उस घर में भूतनी है वो हमें ब्लास्ट होने वाली है। अभी ये मजा आएगा ना, वो ऊपर आ चुके हैं, चलो ब्लास्ट करेंगे। हाँ करते हैं, वेट करो ब्लास्ट करेंगे आराम से। वो ऊपर पहुंच चुकी है, ये बहुत ही राइट टाइम है ब्लास्ट करने का, क्या कर दूं ब्लास्ट क्या? हाँ रुक जा जरा, वो देख हमें देख रही है, चलो। ओके ब्लास्ट कर दिया। ओके होने वाला है। यस अभी मजा। ओके
ओके हो चुका है फाइनली, ब्लास्ट हो चुका है गाइस, फाइनली हमने ब्लास्ट कर दिया।